अमलरूपम के एक अत्यंत धार्मिक परिवार वाणिकोड़ी कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था। आपके परिवार में आपसे बड़े एक भाई और एक छोटे बहन हैं। बचपन से ही आप अपनी पल्ली में मिस बलिदान के समय वेदी सेवक के रूप में प्रभु की निकटता में रहे। वहीं से आपको प्रभु का एक मिशनरी पुरोहित बनने की प्रेरणा मिली। इसी प्रकार श्रद्धेय उपयाचक यस बबिन राइसर का जन्म 29 मई 1993 को श्री सुसी बरी एवं श्रीमती मारिया डोरा के परिवार में चौथा पुत्र के रूप में सेंट जॉन्स चर्च वाणिकुड़ी कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था। आपके परिवार में आपसे बड़े तीन भाई हैं। आपके और उपयाचक अजय की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सेंट जॉन्स हाई स्कूल वाणिकुड़ी में हुई। पुरोहित बनने की आप दोनों में तीव्र अभिलाषा थी। इसी कारण से आपके पल्ले पुरोहित ने आप दोनों को सेंट फ्रांसिस मिशन को नागरकोइल में भेज दिया। यहीं रहकर आपने कार्मेल स्कूल से इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आप दोनों ने वर्ष 2010 में आगरा महानगर प्रांत में सेंट लॉरेंस सेमिनरी में प्रवेश किया। 2 वर्ष के पढ़ाई के बाद आप दोनों आध्यात्मिक निर्देशन और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए मसीह विद्यापीठ यत्मापुर भेजा गया। फिलॉसफी पढ़ने के बाद ब्रदर अजय ने निष्कलंक माता चर्च और स्कूल जैत मथुरा में 1 वर्ष की रीजेंसी फादर जेकब के निर्देशन में की। वही ब्रदर बबिन ने सेंट माइकल चर्च अनूप नगर में फादर शिजु के अंतर्गत तथा 6 महीने फादर जोस अक्कार के निर्देशन में सावियों जीवन वातावरण में रीजेंसी पूरी की। रीजेंसी पूरी कर लेने के बाद दोनों छात्रों को ईश शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रयागराज के सेंट जोसेफ प्रांतीय सेमिनरी में भेजा गया, जहां 4 वर्ष के ईश शास्त्र अध्ययन के बाद प्रयागराज के तत्कालीन धर्माचार्य डॉक्टर राफी मंजनी द्वारा आपका उपयाजकीय अभिषेक संपन्न हुआ। ब्रदर अजय ने होली रोजरी चर्च बस्तर में फादर जोसेफ पिंडिक नायक के निर्देशन में तथा ब्रदर बबिन ने सेंट माइकल चर्च अनूपनगर में उपयाजकीय सेवा प्रदान की। डीकन जस्टिन अगस्टिन का जन्म 9 जून 1992 को सेंट मैरीज चर्च नोएडा में श्री अगस्टिन एवं श्रीमती अंतोनिया के एक धार्मिक एवं प्रभु के भय में बढ़ने वाले परिवार में दूसरे भाई के रूप में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा असिसी कॉन्वेंट स्कूल नोएडा से तथा निष्कलंक विद्यालय जैत मथुरा से प्राप्त की। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट आपने रोटाउल मेरठ धर्मप्रांत से किया। बचपन से ही आपका सपना था प्रभु का एक पुरोहित बनकर प्रभु की और उसके लोगों की सेवा कर। स्वर्गीय फादर जॉनसन से आपको पुरोहित बनने की प्रेरणा मिली। आपने वर्ष 2010 में आगरा की सेंट लॉरेंस सेमिनरी में प्रवेश किया। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई मसीह विद्यापीठ यत्मापुर से पूरी करने के बाद आपने फादर जोस अक्कार के निर्देशन सावियो बाल भवन अलीगढ़ में 1 वर्ष की रीजेंसी की। तत्पश्चात ईश शास्त्र की पढ़ाई के लिए आपको सेंट जोसेफ सेमिनरी इलाहाबाद भेजा गया। आपने उपयाजक अभिषेक के बाद उपयाजक की सेवाएं पुनः अलीगढ़ तथा सेंट जून पल्ली कौलका में दी। आगरा महाधर्म प्रांत के लिए यह बहुत सौभाग्य का गर्व की बात है कि आज पिछले कुछ वर्षों में धर्म प्रांत की माटी का 14 लाख प्रभु की सेवा में वेदी पर अपने आप को अर्पित कर रहा है। आज से 27 वर्ष पहले कैथीड्रल पल्ली से फादर मून लाजरस, कुछ वर्ष बाद सेंट पैट्रिक्स पल्ली से फादर क्रिस्टोफर मसीह, उनके बाद जैन चर्ची पल्ली से मारिया जॉनसन पुरोहित अभिषिक्त रहे।
आगरा महाधर्म प्रांत आप तीनों याचकों के अभिषेक से हर्षोत्साहित है। हमारी प्रार्थनाएं एवं शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। अब जुलूस में प्रवेश गीत के साथ उम्मीदवार अपने माता पिता पुरोहितों और महाधर्माध्यक्ष जी के साथ मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। Thank you.
सज्जन धर्मप्रांत के कोने कोने से और पड़ोसी धर्मप्रांतों से यहाँ पधारे आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आदरणीय डिकेन्स अजय, रवीन और जस्टिन, उनके माता पिता और परिजनों, आज का ये दिन हम सब के लिए खास है, आनंददायक है। आज हम परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम के लिए धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है और हमारे नजरों के सामने ये तीन उम्मीदवार पुरोहित अभिषेक ग्रहण करेंगे। परमेश्वर को उनके अनुग्रहों के लिए, वरदानों के लिए धन्यवाद देते समय हम इनके आगामी जीवन की सफलता के लिए, इनकी धर्म सेवा की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ क्षण हम मान रहेंगे और हमारे गलतियों के लिए, पापों के लिए दया सागर प्रभु से क्षमा याचना करेंगे, ताकि ये कृष्ण याद और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को सुधरा के हो और हम सब इस पवित्र विधि के द्वारा अनुग्रहित हो जाए। हम सब मिलकर बोले
हमारे ईश्वर तो पुरोहितों की परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है, अपनी कलीसिया के जिन उपयाजकों को तो आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा, उन्हें देवी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर, यह अपनी परिचर्या तथा सदाचरण पर क्रिस्त में तेरी महिमा करते रहे, ये वर्णन उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। अब शब्द समारोह होगा जिसमें दो पाठ और पवित्र सुसमाचार पढ़कर सुनाए जाएंगे। पहला पाठ नबी इसाईस के पुस्तक से लिया गया है। इसे उपयाजक जस्टिन की भाभी श्रीमती एग्नेस प्रकाश पढ़ेंगे। और वे एक दूसरे को पुकार कर ये कहते थे,
It will be read by Deacon Ajay's sister, Miss Juno Rexin. प्रारंभ होंगे। अब कथीटर महाकृत पल्ले पुरोहित
श्रद्धेय फादर इग्नेशियस किराना उम्मीदवारों को आगे बढ़ने का आह्वान करेंगे। प्रस्तुत हूं। कैथेड्रल महाकैथेड्रल के परम पुरोहित श्रद्धेय फादर इग्नेशियस किराना महाधर्माध्यक्ष के सम्मुख उम्मीदवारों को प्रस्तुत करेंगे और उन्हें पुरोहित अभिषेक दिया जाने का अनुरोध करेंगे। तत्पश्चात उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में सेंट लॉरेंस सेमिनरी के गुरुकुल आचार्य फादर प्रकाश की सूचना घोषणा करेंगे। संसार के शुरुआत से परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संसार में मुक्ति का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, मुक्ति योजना आगे बढ़ा रहे हैं और ईश्वर सहयोगियों को ढूंढते हैं आज भी प्रभु पूछ रहे हैं हम में से प्रत्येक से, मैं किसे भेजूं, कौन मेरा संदेशवाहक बनेगा। हम सब उनके शिष्य शिष्याएं हैं,
प्रभु यीशु मसीह के, और हम में से प्रत्येक का कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने उलाहट के अनुसार, अपने अपने योग्यता के अनुसार इस मुक्ति कार्य में परमेश्वर के सहयोगी बने। आज हम विशेष रूप से आनंदित है, आनंद विभोर है, क्योंकि हम में से तीन भाई नबी इसैया के समान परमेश्वर को उत्तर दिया जब उनका नाम पुकारा गया, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं आपके संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हूँ। कुछ क्षण बाद कलीसिया के पारंपरिक विधि के अनुसार इनके ऊपर धर्माध्यक्ष हाथ रखेंगे, अभिषेक की प्रार्थना पढ़ेंगे, इनके हाथों को पवित्र क्रिसम से अभिषेक करेंगे और ये हमारे लिए पुरोहित बन जाएंगे। इन धर्मविधियों के दौरान परमेश्वर एक चमत्कार करेगा इनके आत्मा में, पवित्र आत्मा इनके आध्यात्मिक डीएनए को बदलेगा और ये प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सैक्रामेंट बनेंगे। और विश्वासियों की मंडली में जब भी हम विश्वासी एकत्र होते हैं प्रभु को पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए या संस्कारों के अनुष्ठान के लिए, ये कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया के शीर्ष है उनका प्रतिनिधि बनकर हमारी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि बनना या उनका सक्रमेंट बनना एक छोटी सी बात नहीं है। आज इनको प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों ने कहा ये योग्य है पुरोहित बनने के लिए, एक अर्थ में ये योग्य है लेकिन दूसरे अर्थ में इनको योग्य बनना है। हर रोज प्रयत्न करते हुए, प्रार्थना करते हुए, संस्कारों का अनुष्ठान करते हुए, ईश्वरीय जनता की सेवा करते हुए इनको योग्य बनते आगे जाना। एक अर्थ में योग्य इसलिए है क्योंकि 10-12 साल से ये प्रशिक्षण पा रहे थे, इनको धर्मग्रंथ का ज्ञान है और जितने भी सेक्रेड साइंसेस हैं उनके जो बेसिक नॉलेज इनके पास है और संस्कारों को संपन्न करने की विधियाँ की जानकारी इनको है, इसलिए ये घोषित किया गया ये योग्य है। और इनका आचरण अनन्य है, इनमें वो सब गुण पुण्य है जो एक उम्मीदवार पुरोहिताभिषेक उम्मीदवार के जीवन में होना चाहिए, ये सब गुण इनमें है, कम से कम कुछ हद तक है, कुछ मेजर तक है, इसलिए ये योग्य घोषित करे गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनना वो उसके लिए पूरा जीवन लग जाता है। कोई भी एक दिन में, एक साल में, मैं समझता हूँ एक आयुष्काल लगता है प्रभु यीशु मसीह के करीब आने के लिए, उनके समान दिखने के लिए, जीवन में, आचरण में, बातों में उनके समान होना, ये एक यात्रा है, इसका स्टेशन नहीं है, वो वहाँ जाकर हम लोग ये इसको समाप्त करेंगे परमपिता के सान्निध्य में। तब तक ये यात्रा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम जैसे पौलुस कहते हैं ना, हम लोग ग्लोरी टू ग्लोरी चल रहे हैं, हम कुछ हैं, कुछ बनने के लिए बुलाए गए, ईश्वर की संतान है, एक अर्थ में ईश्वर की संतान है बपतिस्मा के कारण, लेकिन और अधिक ईश्वर की संतान बनना है, तो उसके लिए ये बुलाए गए। ये कुछ हमें इनसे कुछ सवाल, इनके संकल्प के बारे में
कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल यह है कि आप धर्मातिथियों के साथ मिलकर क्रिस्तीय जनता के लिए एक चरवाहा बनने के लिए तैयार है, इसके लिए संकल्प आप लेते हैं या नहीं? मतलब इनको धर्माध्यक्ष के साथ और अन्य पुरोहितों के साथ मिलकर पवित्र आत्मा से बल ग्रहण कर इनको एक चरवाहा चरवाहा बनने क्रिस्तीय जनता के लिए चरवाहे का काम करने के लिए, यानी कि जो काम प्रभु यीशु मसीह किया करते थे अपने जीवन काल में उसको जारी रखने के लिए ये बुलाए गए हैं। लेकिन आज ये कहेंगे हम तैयार हैं, इस संकल्प के हमारा मेरा एक इनमें से एक एक ये उत्तर देगा कि मेरा संकल्प है ये प्रभु यीशु मसीह का काम जारी रखना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो जो काम किया था, तीन कार्य किए थे, आज के सुसमाचार में हमने सुना क्या क्या किया करते थे। सभा में हमें शिक्षा दिया करते थे प्रभु यीशु मसीह, और रास्ते चलते जगह गांव में शहर में जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ पर सुसमाचार की घोषणा किया करते थे प्रभु यीशु मसीह। फिर लोगों की दुर्बलताओं को दूर किया करते थे प्रभु यीशु मसीह, मतलब लोगों को मुक्ति प्रदान करते थे, छुटकारा प्रदान करते थे, चंगाई प्रदान करते थे, मतलब उनको हर तरह से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से उनको हरे चक्र उनको परिपूर्ण जीवन दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह। और वो काम के लिए ये प्रतिबद्ध है, उसके लिए आज ये संकल्प ले रहे। फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप, चूंकि हम सब एक राजकीय पुरोहित वर्ग है बपतिस्मा के कारण, इसलिए हमको ईश्वर पवित्र बनना, तो हमारे पवित्रीकरण के लिए पुरोहित क्रिस्तिया चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे, उनका व्यक्तिगत बलि आत्म बलि भी चढ़ाएंगे और साथ साथ ये अनुष्ठान करेंगे प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की ये बलि ये हमारे लिए चढ़ाएंगे ताकि हम पवित्र बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। और उनका जो पास्ता का जो पुण्य फल है हमको प्राप्त हो जाए, इसके लिए इनसे पूछा जाएगा ये प्रतिबद्ध है कि नहीं, वचनबद्ध है या नहीं। कहेंगे हाँ, हम क्रिस्तियां भक्ति के साथ और विश्वास के साथ जो संस्कारों का अनुष्ठान करेंगे लोगों के लिए, ताकि ये जनता ईश्वर की जनता पवित्र बनते जाए और पवित्र बनते जाए, इसके लिए से पूछा जाएगा क्या सुसमाचार की व्याख्या करेंगे आप, तो ये जिम्मेदारी नहीं करेंगे हम, इसको इसके लिए वचन बनते हैं। फिर इनसे पूछा जाएगा रेवड़ के लिए दिन रात आप प्रार्थना करेंगे, ताकि ईश्वरीय जनता के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए भी कहेंगे हम तैयार हैं। प्यारे प्याजो, सुसमाचार की व्याख्या करने के लिए आपको वो यरमिया नबी के समान जो अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, जब आपका वचन मुझे प्राप्त हुआ मैंने उसको खा लिया, व्हेन आई रिसीव्ड योर वर्ड आई एट इट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? मतलब दिन रात उस पर मनन चिंतन किया, उसका आत्मसात किया और उनके व्यवहारिक जीवन में वो अमल किया। ईश्वर का वचन एक तरह से उनके शरीर में शरीर धारण किया। तो ये करने के लिए, ईश्वरीय जनता को शिक्षा देने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए इनको बार बार ईश्वर का वचन सुनना है भक्ति के साथ, उस पर मनन चिंतन करना है और जो वचन कहता है, जो आदेश वचन देता है उसका अक्षरश पालन करना चाहिए। ये हमारे चार ब्याजों याद करेंगे। और इनको कहा गया है कि नबी के समान इनको पहरादार बनना है और दिन रात इसैया नबी से, जिस नबी के कृत से हमने आज पाठ सुना पहला पाठ, उनसे प्रभु कहते हैं अध्याय 62 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं यरूशलेम
मैं तेरे चार दीवारों पर पहरेदारों को नियुक्त किया है। वो दिन रात प्रार्थना करेंगे, वो दिन में चुप नहीं रहेंगे, रात को चुप नहीं रहेंगे, और इनको कोई आराम नहीं मिलेगा, ना ईश्वर को आराम करने देंगे। मतलब सबका स्मरण दिलाएंगे, दे विल रिमाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल टू द लॉर्ड, दे विल रिमाइंड द लॉर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। दिस इज देयर वर्क, इंटरसीडिंग वर्क। याद करेंगे हमारे उपयाजक कि उनको प्रार्थना में सजग रहना चाहिए, अहोरात प्रार्थना करना चाहिए अपनी जनता के लिए, ईश्वरीय जनता के लिए, अपनी रेवड़ के लिए। उनको प्रार्थना बराबर जारी रखना चाहिए, ईश्वर को बार बार सुनाना चाहिए, इनको ठीक कीजिए, इनकी समस्या का समाधान आप कीजिए। मतलब उनको लेके वो जो यहूदियों को महापुरोहित जब होली ऑफ होलीज मंदिर के सबसे परम पवित्र स्थान पर जाते हैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए, वो सारे लोगों को अपने देह में लेते हुए जाते हैं, उसका ड्रेस ही उसका सिंबल था। 12 जो वंश ईसाइयों का 12 रत्न प्लस वो मानता था, और उनका क्रॉस बेल्ट जैसा एक लोग जो बताता वो हृदय पे पार करके क्रॉसिंग द हार्ट ड्रेस दैट बेल्ट यूज्ड टू गो सिंबलाइजिंग एंड कैरिंग द एंटायर पीपल टू माय पीपल टू द लॉर्ड। तो ये याद रखना चाहिए, प्रार्थना में सजग रहना चाहिए। और इनसे पूछा जाएगा कि ये प्रभु के समान रूप बनना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, उनको प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन बिताना चाहिए। सत्यों में हमको याद दिलाता है तो वन हु क्लेम्स टू बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट एंड पर्टिकुलरली अ प्रीस्ट ऑफ क्राइस्ट, ही नीड्स टू लिव द टाइप ऑफ लाइफ दैट जीसस लिव्ड। हिज वर्ड, हिज डील, हिज एक्शन, एवरीथिंग शुड रिमाइंड पीपल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीसस। Everyone should feel Jesus is in our midst. It's a tall claim. It's a great demand. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जब पुरोहितों का एक आदर्श है, पुरोहितों का पेट्रन है संत जॉन मेरी पियन, बहुत बड़ा संत जॉन मेरी पियन। जब उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई, बहुत लोग उनसे मिलना चाहते, और ना केवल विश्वासी लोग चाहते थे बल्कि कुछ नास्तिक लोग भी उनको मिलने चाहते। तो एक बार एक लॉयर जो विश्वासी नहीं था उनको देखने गए, तो लोग उत्सुक थे, इन्होंने इस व्यक्ति ने क्या देखने के लिए गया और उनका क्या इंप्रेशन रहा इस संत के बारे में। तो जब वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा, आपने उस संत ने संत जॉन मेरी ज्ञानी ने क्या देखा, उसे पूछा। और उस नास्तिक व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने एक इंसान में ईश्वर को देखा। मतलब उस संत को देखते ही उनको लगा ये सचमुच यीशु मसीह का एक अवतार है, एक प्रतिबिंब है, एक सक्रमेंट है। हमारा इन सब की और हम सब की ये एंडेवर होना चाहिए कि हम उस लेवल तक पहुंचे। पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा ही उनकी इच्छा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है प्रयत्न करना। तीव्र इच्छा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए कि उस लेवल पर पहुंचे। और ये आज का ये दिन आप सब आए हैं के लिए प्रार्थना करने का, हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि चुनौती भरा ये ओकेजन है। पुरोहित बनना आज के जमाने में, आज के दौर में बहुत चैलेंज वाला काम है। सर्वत्र हम जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे बुराई ही बुराई। बहुत कठिन है एक नौजवान लड़का या लड़की को
एक पवित्रता की रोग रास्ते पर अग्रसर होना कठिन है। इतना इतनी बुराई है, जहाँ भी कुछ भी देखो, फोन ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, इधर दौड़ाओ, ईश्वर के एडवर्टाइजमेंट कम होते हैं, बुराई के एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। तो आज आप आए हैं हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा अपने पुरोहितों के लिए रोज़ प्रार्थना किया। अगर ये पुरोहित अपने कर्तव्य में अड़िग रहेंगे कि प्रार्थना में, संस्कारों के अनुष्ठान में, सेवा में अड़िग रहेंगे, तो क्रिश्चियन जनता पवित्र बनती जाएगी और प्रभु यीशु मसीह का राज्य फैलता जाएगा। अन्यथा हम एक तरह से घट जाएंगे और बुराई प्रबल हो जाएंगे, बुराई प्रबल हो जाएगा इस दुनिया में। तो इसलिए आपको उनको सपोर्ट करना, हम सबको सपोर्ट करना, ये कुछ ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको हमारे लिए प्रार्थना, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और तब जाकर हम वो पवित्र प्रजा बन जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह का सपना है, एक आदर्श दूसरों के लिए, एक आदर्श समुदाय बन जाए। आज हम उनको बधाई देते हैं और इस वक्त हम इनके माता पिता और उनके गुरुजन यहाँ आए हैं सेमिनारी का प्रतिनिधित्व करते हुए, कुछ लोग आए, इनके परिवार के माता पिता आए हैं और इनके पैरिश से जहाँ इन्होंने सेवा दी डीकन बनकर, वहाँ से लोग आए हुए हैं, सब लोग एक खुशी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ सब लोग इसलिए आए हैं, इनका जीवन आप सबको किसी न किसी तरह स्पर्श किया है और आगे इनका जीवन आपको स्पर्श करेगा और आप के साथ इनका एक घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आप सब आए हैं और इनको ये इस लेवल तक पहुँचाने में आप सभी ने कुछ ना कुछ किया है। इसलिए परमेश्वर के नाम पर मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और आगे भी आपका सहयोग, प्रार्थना, प्रोत्साहन उनको मिलता रहना चाहिए उनके रोहिताई जीवन में, इसके लिए आपसे आग्रह। पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि अब विधिवत प्रारंभ होती है। महाधर्माध्यक्ष अभिषेक के उम्मीदवारों से उनके संकल्प के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले महाधर्माध्यक्ष उनसे पुरोहिताई का निरंतर पालन करने, धर्म सेवा के कर्तव्य का योग्य रीति से पालन करने एवं विभिन्न संस्कारों का संपन्न करने के संबंध में उनका संकल्प एवं उनकी इच्छा जानना चाहे। उसके बाद धर्माध्यक्ष के प्रति श्रद्धा और आज्ञा पालन के प्रतिज्ञा कराएंगे, ब्रह्मचर्य एवं आज्ञा पालन का संकल्प कराएंगे। प्रिय मित्रों, पुरोहित अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा अधिक विश्वास से प्रतिपालन के द्वारा शिक्षा की धन सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और क्रिश्चियन जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिशन तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने देवर के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने मान लिया अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए
Yeah.
Thank you.
इस धर्म विधि के एक महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गए। अब महाधर्माध्यक्ष उम्मीदवारों के सिर के ऊपर हाथ रखकर इस धर्म विधि के सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभ जिसे अभिषेक या कॉन्सेंट्रेशन की प्रार्थना कहते हैं करेंगे। इस प्रार्थना में महाधर्माध्यक्ष पिता ईश्वर से उम्मीदवारों को पुरोहिताई का पद प्रदान करने के निवेदन करते हैं। जब वे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ मिलकर मौन रूप से प्रार्थना करें। हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्वरूप और सब विवादान का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य नीतियों की अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के मूसा और हारून अगुवाई का दायित्व संभाला और इसराइली समाज की सहायता के दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की जिससे मूसा उनके सहायता पाकर अधिक सुविधा से इसराइली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित अधिकार और उनके पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याद के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते हैं जो धार्मिक कृपादानों को सूचित करते थे। हे माता जब समय पूरा हो गया उन्हें अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह अपने विश्वास और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेमियों को सत्य के पूर्ण सिद्ध किया उन्हें अपने मुक्ति कार्य में सहभागी बनाया। इन प्रेमियों को तूने सहाय सहायकों को प्रदान किया जिन्होंने सारे जगत में तेरा संदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु हम तुझसे सभी ने प्रार्थना करते हैं हमें ऐसे सभी योगियों को प्रदान करो क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय से हमारे वैदिक कार्य निर्भीकता की आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने दासों को पुरोहित का पद प्रदान कर इनके हृदय पवित्रता का आज भर तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर। ये अपने सदाचार द्वारा दूसरों को नैतिक प्रगति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए जिससे इनकी पुरोहिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले और प्रति के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता है। इस तरह मेरी प्रजा प्रवचन के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए युग स्थित बलिदान कोशिश होती रहे पापों की क्षमा प्राप्त करें और भोगावस्था में शांत बना पाए। हे धर्मवान प्रभु ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने वैभव और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र कृष्ण के प्रेम में एकत्र होकर दिल्ली मात्र प्रजा बन जाएंगे और सब राष्ट्र अपनी स्थिति तक पहुँच जाएंगे। हम दिल्ली में यह करते हमारे प्रभु और तेरे प्रेम सुख के द्वारा ईश्वर होकर तेरे साथ पवित्र आत्मा की एकता युगानुयुग
जब नवनिशित उम्मीदवारों को पुरोहिताई का पारंपरिक वस्त्र धारण कराए जाएंगे। पहले तिरछे पहने दुपट्टे जैसे वस्त्र को जिसे सन्न पटनिया शोल के लिए पहनाया जाता है, उसके बाद ऊपर से एक और लौकिक सा वस्त्र पहनाया जाता है। इस वस्त्र को अंग्रेजी में चौसर कहते हैं। ये वस्त्र पूजा के वस्त्र कहलाते हैं। इन वस्त्रों को धारण कर अभी उम्मीदवार पुरोहित बन गए। पुरोहित के वस्त्र धारण करने के बाद अब नवनिशित पुरोहितों के बाद अभिषिक्त किए जाएंगे। धर्मादेश उनके हाथों को दर्शन पवित्र तेल से अपने उचित करें। अब से ये हाथ ईश्वर को बलिदान और ईश्वर के प्रजा के पवित्रीकरण एवं बधाई के प्रयोग
पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाए। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के पुरुष के समानुरूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाए। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समानुरूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाए। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समानुरूप बना लीजिए।
Thank you.
जो कार्य करता है मेरे लिए करता है विश्वास
हे प्रभु अपने सेवक से रेखाओं की सुनिए इन सबने भी सुनिए जो यहाँ के सामने उपस्थित हैं इनका विश्वास हम इनके लिए और इनके लिए जनों के लिए तेरे स्तुति के लिए अभिदान चाहते हैं तू ही हमारा जीवन सत्य और शाश्वत ईश्वर है हम इनके कल्याण और आपके लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं सारी मनुष्य सही होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और परमेश्वर की माता प्रतापी तेजस्वी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं इसलिए हे प्रभु हम अपराध और उनके पर तने यूसुफ तेरे धनी बेटों और शहीद पेत्रुस और बोस आंद्रेस और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हम सदा तेरे सहायता और सुरक्षा में गिरे रहे जो तुम्हारे हो की मां
प्रभु कृष्ण के पुण्य को प्रगत पुण्य से गुणुमा और प्रदाप में सुधार की स्मृति मानी हे महाराजा ईश्वर तेरे नाम में से हमारे ये पवित्र निर्मल और निर्दोष शरीर अनंत जीवन की अवक्त रोगी और अनंत रूपी अवक्त प्राणी प्रसन्न होकर हमारे नाम पर दया दृष्टिया जैसे तुमने अपने हर सेवक पाप किए हमारे धर्म को प्रणाम कर और अपने पाप को मेरे पवित्र और निर्दोष श्याम स्वीकार किया para
Thank you.
एवं धर्म बहनों तथा सभी विश्वासी जनों को जिन्होंने यहाँ आकर हमारे लिए प्रार्थना की, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं अपने जन्मस्थली के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों तथा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हर संभव प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, हमारे लिए प्रार्थना की और हमें प्रेरित किया। अपने दिल के उद्गारों से हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे लघु गुरुकुल के गुरुकुल आचार्य श्रद्धेय फादर जोसेफ डाबरे एवं फादर एम ए जॉनसन एवं सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें बीते शुरुआती वर्षों में हमारी देखरेख की, हमारी अगुवाई की और हमें प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रदान की। प्यारे फादर्स, आपके द्वारा किए गए सभी अथक प्रयासों के लिए हम आपको नमन करते हैं और अपने दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद के शब्द अर्पित करते हैं हमारे लघु गुरु सेंट लॉरेंस माइनर सेमिनरी के वर्तमान गुरुकुल आचार्य श्रद्धेय फादर प्रकाश डिसूजा व हमारे सभी छोटे भाई भाइयों के लिए जिन्होंने हमारे इस प्रार्थना विधि में हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद प्रिय फादर जी एवं मेरे प्रिय भाइयों। हम विशेष रूप से अपना सादर आभार प्रकट करते हैं प्राथमिक शिक्षा से लेकर दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र तक के सभी पुरोहितों और गुरुजनों को, विशेष रूप से श्रद्धेय फादर एम ए सबास्टियन एवं फादर रोनाल्ड डेनिस के प्रति व अन्य सभी जिन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया और आज इस काबिल बनाया। प्रिय गुरुजनों, पुरोहितों, हमारे मार्गदर्शकों, आपके अथक परिश्रम एवं त्याग और आपके सभी उत्तम प्रयासों के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी वोकेशन प्रमोटर्स, शुभचिंतक तथा हमारे पुरोहिताई प्रशिक्षण में जिन्होंने आर्थिक रूप से हमारी सहायता की, हमारे बेनिफिटर्स, रिजेंसी के समय प्रेरणा स्रोत रहे हमारे पुरोहितगण एवं धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों एवं बहनों को जो हमें इस गुलाहटी जीवन में मजबूत बनाने के लिए अथक परिश्रम करते रहे। आप सभी को हम नम्र हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं गायन मंडली के लिए, विशेष रूप से फादर डॉमिनिक की अगुवाई में आज की पूजन विधि को आध्यात्मिक एवं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनाया। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं फादर श्रद्धे फादर जेकब और फादर टोनी तथा अन्य सभी लोगों के लिए जिन्होंने फोटोग्राफी एवं मीडिया द्वारा आज के इस पूजन विधि को दूर संचार तक पहुँचाया। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे महाविद्यालय के पदगुरुओं श्रद्धेय फादर इग्नेशियस हिराना एवं सहायक पदगुरुओं फादर विनीवत्सल, फादर जमिंदर तथा फादर लॉरेंस, जिनकी देखरेख में आज का यह समारोह भली भांति संपन्न हो पाया। प्रिय फादर जी, हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के शब्द अर्पित करते हैं हमारे प्रिय फादर भास्कर के लिए जिन्होंने हमें इस पूजन विधि का विधिवत अभ्यास कराया। धन्यवाद प्रिय फादर जी। धन्यवाद देते हैं श्रद्धेय फादर संतोष ईसा, फादर शिवु, फादर जूड एंथनी एवं सेंट जोसेफ पास्टर सेंटर में कार्यरत सिस्टर मोनिका तथा सभी सहकर्मियों तथा ज्ञानी हाउस में कार्यरत सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे परिवारजनों की सेवा तथा उनके रहने की व्यवस्था की, यातायात सुविधा उपलब्ध कराई। धन्यवाद आप सभी को। हम सभी सत्य सेवा धर्म समाज, एफसीसी धर्म समाज, जीसस एंड मेरी धर्म समाज, फातिमा कॉन्वेंट तथा संत फ्रांसिस स्कूल की सभी धर्म बहनों को तथा सभी सुपीरियर सिस्टर्स को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज के इस दिन को सफल बनाने हेतु वेदी को अलंकृत किया, पूजन विधि की तैयारी की तथा अन्य सारे जरूरतों को पूरा किया। विशेष रूप से हम धन्यवाद अर्पित करते हैं एफसीसी धर्म समाज की बहनों के लिए जिन्होंने आज हम नव अभियंजित पुरोहितों के लिए यह पवित्र वस्त्र तैयार किया। आप सभी धर्म बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद।
हम बहुत आभारी हैं श्रद्धेय सिस्टर हेलेन, शालिनी, पीटर भैया तथा अन्य सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना समय देकर इस यूक्रिस्ट समारोह में इस बलि विधि की तथा गिरजा विधि की सजावट की, पूजन विधि की तैयारी की। आप सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के साउंड सिस्टम को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने वाले सभी सहकर्मियों के लिए। वास्तव में आपका साउंड सिस्टम आज की पूजन विधि में अत्यंत सहभागी रहा है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं श्रद्धेय फादर पेड्रो कोरिया, फादर सैंटिश एवं सेंट पीटर कॉलेज के सभी सहकर्मियों के लिए जिन्होंने आज पवित्र मंदिर विराट के पास सामूहिक प्रीति भोज का आयोजन किया है। धन्यवाद श्रद्धेय फादर एवं सभी सहकर्मियों। अंत में मैं मेरे दोनों सहपाठियों फादर अजय तथा फादर पवित्र की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पहले बार नव अभिषिक्त गुरु प्रभु की आशीष प्रदान करें। आइए विशेष आशीष पाने के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे, सिर झुकाएं। प्रभु
काफी सालों की मेहनत और ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए ये तीन युवक आज पुरोहित अभिषेक को ग्रहण किया है। मैं हमारे इन तीनों नव अभिषेक पुरोहित को आगे बुलाना चाहूंगा। ये आगरा महानगर प्रांत के लिए ही नहीं बल्कि माता संपूर्ण माता कलिसिया के लिए एक विशेष दिन है कि तीन पुरोहित हमें मिले। आज मैं अपने महाधर्माध्यक्ष राफी मांझली से विनती करता हूं कि वे शॉल ओढ़ाकर इन तीनों अभिषिक्त पुरोहितों का सम्मान करें, अभिनंदन करें। आइए हम सब खड़े होकर कंग्रेचुलेशन गीत गाते हुए उनका अभिनंदन। तुझको चढ़ाकर